हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। आपको एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले तो आपको यही समझ लेना चाहिए सरफेस एरिया होता क्या है, है ना जी। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। देखिए, मान लीजिए ये एक आपका कबोइड है, कबोइड है आपका। तो इसमें ये जो हिस्सा है, इसका जो दिखाई दे रहा स्टूडेंट, ये ही सरफेस एरिया होता है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ है और ब्रीथ है ना, लेंथ और ब्रीथ है। और इसमें देखिए, जो भी क्यूबॉइड होता है उसमें छह फेस होते हैं, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, और एक ये पांच, और एक ये इधर से छह फेस है जो इसके बेस हो सकते हैं, जो धरातल पर रखा जाता है छह तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, रखा जाएगा ना। तो ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये इसके फेस हैं जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है जी। ये इसके फेस हैं, ये तो छह फेस हैं। ये छह के छह जो फेस है ना, इनका टोटल एरिया आपको निकालना है, तो इसे ही टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, है ना। किसी भी अगर कोई भी चीज अगर आप समझना चाहते हैं तो उसे गहराई से समझिए, बिल्कुल डीपली समझिए, है ना, तभी आपकी वो समझ में एक बार आ गया तो फिर उसे आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं या ऐसे देख रहे हैं तो आपको कभी भी समझ में नहीं आने का, खासकर मैथ की वीडियो। मैथ तो समझ में आने कहीं, क्योंकि मैथ में कोई भी इधर उधर की बातें नहीं बताई जाती, जो पॉइंट टू बाय पॉइंट बातें होती हैं इसमें, है ना। तो आपको सरफेस एरिया समझ में आ गया क्या होता है। अगर किसी व्याप क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है तो आपको इन छह फेस का एरिया निकालना होगा, ठीक है जी, है ना। तो स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए कैसे निकलेगा। तो टोटल का हमने टी लिख लिया, सरफेस का हमने एस लिख लिया, और एरिया का हमने ए लिख लिया। तो ये होगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ को हम एल लिख लेंगे, बी ब्रीथ को बी लिख लेंगे, है जी, प्लस बी यानी कि ब्रीथ एच फोर हाइट, प्लस L, ये पहले वाला ही L, और जी H4 हाइट, ठीक है जी। ये फॉर्मूला है लेंथ और ब्रीथ, पहले में लेंथ ब्रीथ आगा, दूसरे में ब्रीथ और हाइट आगा, ठीक है, तीसरे में फिर लेंथ आगा और हाइट आगा, दो बार H का प्रयोग हुआ है लास्ट वालों में, M शुरू वाले में L भी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, अब इसके जो मान है, वैल्यू है इनकी, वे सब वैल्यू इसमें फिल कर देंगे, ठीक है। वैल्यू देखो, ऐसा आपको पिक्चर दी गई होगी, या पिक्चर नहीं दी गई होगा तो लिखा हुआ होगा कि भाई लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, और हाइट इतनी है, है ना। ये हाइट होती है, ये ब्रेथ होती है, और ये लेंथ होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, इनमें इसमें इसकी वैल्यू को फिल कर देंगे, ठीक है जी। तो करिए वैल्यू फिल, एल कितना है, पहले टू लिखिए, एल कितना है 10। अब जहां जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता वहां मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, ओके स्टूडेंट। तो एल मल्टीप्लाई बी था ये, और बी कितना है हमारा 4, प्लस अब भी हमारा 4 है, यहां पर 4 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई एच, हाइट है हमारी 5,
ठीक है जी। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, देखो प्लस लग रहा। फिर लेंथ, लेंथ कितनी है हमारी 10, ये लिख रखी थी हमने शुरू में लेंथ। और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट हमारी है जी 5। ओके स्टूडेंट, तो जी हम क्या करेंगे अब इन्हें, बोर्ड मास का नियम होता है, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं और ब्रैकेट में भी जो पहले मल्टीप्लाई का चिन्ह है उसे सोल्व करेंगे, है ना। तो 2 10 4 40 प्लस 4 5 20 प्लस 10 5 50। तो स्टूडेंट हमेशा इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से निकाल के दिखाएंगे। एक तो आप इस तरीके से निकाल रहे जो क्लास 8 से 8 का है, है ना, मेथड है, लेकिन एक हम आपको इसे क्लास 4 के मेथड से भी निकाल के दिखाएंगे, है ना। दो मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए अब हमने यहां लिख लिया 2, अब इन्हें हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कितने हो गए 60 और 5 11। तो स्टूडेंट ये आ गया, तो 2 × 110 इज इक्वल टू 200। 2 की मल्टीप्लाई 0 में करी 200, 2 × 1 = 2 और 2 की मल्टीप्लाई फिर 1 में करी 2 × 1 = 2 सेंटीमीटर आंसर, है ना। तो ये आ गया जी। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कैसे होता है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। दो बार आपका बी आया, दो बार एल आया, दो बार एच आया, ठीक है। एल बी बी एच एल एच, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो हमने निकाला इसे क्लास 8 के तरीके से, यानी कि उसके फॉर्मूले से। अब मान लीजिए स्टूडेंट आप इसे क्लास 4 के तरीके से निकालना चाहते हैं, है ना, कि भाई एरिया तो आपने क्लास 4 और 5 में भी निकाला है ना, है। तो आप उस तरीके से निकालना चाहेंगे इसे। तो मान लीजिए स्टूडेंट आपको ये वाला दे दिया, ये दे दिया आपने, ये तो निकालना ना एरिया। एरिया क्या होता है, जहां भी आप एरिया देख लें तो सोच ले एरिया का मतलब मल्टीप्लाई होता है, है ना, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है तो गुना करनी होगी, ध्यान रखे अपने दिमाग में, और कुछ भी नहीं करना। अगर एरिया निकालना तो मल्टीप्लाई करें। तो स्टूडेंट हमने इसका एरिया निकालना, पहले ही एक रेक्टेंगल है हमारे पास, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। तो ये सामान्य हो गया, देखिए ये हाइट 5 है तो ये भी हमारी 5 है, ये बैक साइड की है, देखिए ये तो हमारी ये वाली है, और जो ये वाली है इधर ये भी इतनी है, तो ये इधर की दिख रही है 5, ये बैक साइड की। तो क्या लिखते हैं हम, एरिया इक्वल टू जी एल मल्टीप्लाई बी, यही तो है ना फॉर्मूला, क्लास 4th में यूज होता है या 5th में यूज होता है, एल मल्टीप्लाई बी। तो आपने इसका एरिया निकाल दिया, है ना। तो ये कितनी है आपकी 5 और ये कितनी है आपकी 10, तो 10 × 5 कितना हो गया जी 50 आ गया, आ गया ना 50। तो स्टूडेंट जो एरिया यह है, जो लेंथ यह है, जो हाइट यह है, यानी कि लेंथ और ब्रिथ मान लेंगे, अब इसे हाइट को छोड़ देंगे क्योंकि हम क्लास 4 के तरीके से निकाल रहे। तो ये हमारी क्या होगी लेंथ और यह क्या होगी हमारी ब्रिथ, तो इसका निकाल दिया तो सेम की सेम ही अभी तो इधर लिए ही है ना भाई, अभी 10 है और ये भी 5 है, तो इसलिए डबल हो गए। जब इसमें डबल होता है इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया इस फॉर्मूले को बनाने के लिए। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमने पीछे बैक साइड का भी एरिया निकाल लिया क्योंकि दोनों की लेंथ और ब्रिथ सेम थी, तो हमारा आंसर भी सेम आएगा क्योंकि इधर की भी इतनी है, मान लीजिए और इधर की भी इतनी है, दोनों होगी, ठीक है जी। अब आप इसका एरिया निकालिए इसका, तो स्टूडेंट जो हाइट है यानी कि ब्रीथ है वो तो इतनी यूज होगी, और जो हाइट इसकी क्या है या ब्रीथ है, अब इसे निकाल लीजिए। अगर इसमें देखें हम इस वाले को, तो ये हमारी क्या होगी ब्रीथ होगी और ये हमारी लेंथ होगी। तो जी इसमें लेंथ क्या है, लेंथ तो होगी इसकी 5
और ब्रेथ कितनी होगी, 4, 4 × 5 = 20। तो अब स्टूडेंट जितना ये है, जितनी हाइट है और जितनी ब्रीथ है, यानी कि लेंथ और ब्रीथ है, इतनी सेम इधर से भी है, इतनी यह है 5 इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रीथ होगी, तो ये भी 5 होगी, 20 हो गए। तो दोनों का निकालेंगे दोनों साइड का, तो ये भी 20 आ गया, है ना। अब हमारे पास रह क्या आ गया, हमने इधर का निकाल लिया, इधर का निकाल लिया। अब स्टूडेंट हमारे पास ये रह गया ऊपर वाला, एक ये रह गया, ये लेंथ है कितनी है 10, और इसकी ब्रीथ कितनी है भाई, ये 10 होगी, ये 4 है, तो 10 × 4 = 40। और जितना इधर से है सेम का सेम इधर से भी होता है दूसरी साइड से, या भी 10 है या भी 4 है ना। तो स्टूडेंट हमें एक बार फिर लिख देंगे इसे ऐसे। अब ये हो गया, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए ना, और 6 ही फेस इसमें थी, सतह, सरफेस माने सतह, तो कितने थे जी 6 फेस थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए ना 6। तो हमने 6 का अलग अलग एरिया निकाल लिया। अब इन सरों को क्या करेंगे, इन्हें टोटल कर देंगे सबको, देखिए टोटल करिए, 0 है 0 भी 0, 4, 4, 8, 8 × 2 = 10, 10 × 2 = 12, 12 × 10 = 5, 5 × 10 = 10 हो तो कितना होगा था 12 × 10 होगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो स्टूडेंट देखिए हमने 6 बार निकालना पड़ा, हमें निकालना पड़ा ना 6 टाइम क्लास 4 के जरिए तरीके से अगर काटेंगे तो हमें 6 टाइम निकालना, सबका एरिया अलग अलग निकालना है, 6 फेस थे, 6 का 6 को ऐड कर दिया 220 आ गया। अब हमने इस फॉर्मूले को देखो दो दो बार आ रहा, तो हमने इन्हें एक बार ऐसे लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब सबके सब एक साथ एक बार के में 2 से मल्टीप्लाई हो गई। समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है ना। तो हमने इस फॉर्मूले को इतना बड़ा ना करके इसे शॉर्ट में लिख लिया यहाँ पे, और अगर आप ये भूल जाए तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है ना। तो इसे अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो भाई, 8 क्लास के साथ में 4 क्लास का तरीका मिला दिया, तो अगर आपको ये मेथड समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।